दोस्तों, हाल ही में मैंने 2017 की मोस्ट हॉरर मूवी वेरोनिका देखी और मूवी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। मूवी कहानी सिंपल है, पर 2017 में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे सबसे डरावनी मूवी माना जाता था। मोस्ट प्रोबेबली इसका कारण ये भी था कि वेरोनिका मूवी रियल लाइफ बेस्ड है, जो कि इसके देखने के एक्सपीरियंस को और डरावना बनाती है। और सच में मैं जब इस मूवी को देख रहा था तो इसका एक सीन देख के मैं भी डर गया था, और आज की इस वीडियो में मैं इसी मूवी को एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 15 जून 1991 को, जहां हम पुलिस की गाड़ियां देखते हैं और वो उस लोकेशन पर जा रहे होते हैं जहां से एक लड़की ने हेल्प के लिए कॉल किया था। पुलिस लड़की के घर पहुंचती है और वहाँ किसी को देख कर चौंक जाती है। उनके सामने कोई ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और सीन यहाँ कट होता है। फिर यहाँ से सीन 3 दिन पहले पे शिफ्ट होता है, जहाँ हम मूवी की मेन कैरेक्टर वेरोनिका को देखते हैं। वेरोनिका की 2 बहनें और एक छोटा भाई होता है। उसके पिता की मौत हो चुकी होती है और उसकी माँ लेट नाइट जॉब करती है, इसलिए वेरोनिका अपने भाई बहनों का ख्याल खुद ही रखती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो सभी एक साथ स्कूल जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि उस दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था। यहाँ वेरोनिका की टीचर बताती है कि पुराने जमाने में लोग सूर्य ग्रहण के दिन इंसानों की बलि दिया करते थे, ताकि वो बुरी शक्तियों को इस दुनिया में ला सके। फिर नेक्स्ट दिन में सभी स्कूल के बच्चे और टीचर स्कूल की छत पर जाते हैं सूर्य ग्रहण देखने, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेरोनिका अपनी 2 दोस्तों के साथ सबसे छुपते हुए स्कूल के बेसमेंट में जाती है। यहाँ हम वेरोनिका के हाथ में ओजा बोर्ड देखते हैं। दरअसल लोगों का मानना है कि ओजा बोर्ड की मदद से आत्माओं से बात किया जा सकता है। यही सोचकर वेरोनिका अपने पिता की आत्मा से बात करना चाहती थी, और उसकी दोस्त भी अपने बॉयफ्रेंड की आत्मा से बात करना चाहती थी, जो कि एक बाइक एक्सीडेंट में मारा गया था। यहाँ सूर्य ग्रहण स्टार्ट होता है और तीनों कैंडल जलाकर ओजा बोर्ड को प्ले करते हैं। तीनों ने अपनी उंगलियां ग्लास पर रखी होती है और वो आत्मा से बात करती है, जिसका रिस्पॉन्स उन्हें तुरंत मिलता है। तभी बोर्ड पर रखा ग्लास गर्म हो जाता है, जिसके कारण वेरोनिका की दोनों दोस्त अपनी उंगलियां ग्लास से हटा लेती है, पर वेरोनिका अपनी उंगली ग्लास से नहीं हटाती। फिर अचानक से ग्लास टूट जाता है, जिसके कारण वेरोनिका की उंगली से खून निकलने लगता है और खून ओजा बोर्ड पे गिरता है। यहाँ वेरोनिका बिना कोई रिस्पॉन्स किए चुपचाप बैठी रहती है, जैसे कि वो फ्रीज हो गई हो। कैंडल गिरने से ओजा बोर्ड में आग लग जाती है। इसके बाद वेरोनिका कुछ बड़बड़ा रही होती है और वो अपने दोस्त के कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर उसकी दोस्त डर जाती है। फिर अचानक से वेरोनिका बुरी तरीके से शैतानी आवाज में चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वेरोनिका स्कूल की नर्स के सामने अपनी आँख खोलती है। नर्स वेरोनिका को कहती है कि शरीर की कमजोरी के कारण वो बेहोश हो गई थी। वेरोनिका को यहाँ कुछ डिफरेंट सा फील होता है, जैसे ही कुछ गलत हुआ हो, और वो स्कूल की छुट्टी के टाइम पे एक नन को खड़ी हुई देखती है। वो नन आंखों से अंधी होती है, पर वेरोनिका को ऐसा लगता है कि जैसे वो उसे ही देख रही है। घर आकर वेरोनिका को सुपरनेचुरल एक्टिविटी महसूस होती है और वो खाना खाते वक्त भी अचानक से फ्रीज कंडीशन में दिखती है। यहाँ वेरोनिका अपने शरीर पर किसी के पंजों के निशान भी देखती है। एंड नेक्स्ट सीन में वेरोनिका अपने छोटे भाई को नहा रही होती है कि तभी उसे अपने कमरे में से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, और जैसे ही वेरोनिका चेक करने के लिए अपने कमरे में जाती है तो कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और वह रूम में बंद हो जाती है। रूम के बाहर से उसके छोटे भाई की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वेरोनिका किसी तरह कमरे से बाहर आती है और अपने छोटे भाई को बाथ टब में से बाहर निकालती है। यहाँ वो देखती है कि नहाने का पानी काफ़ी गर्म हो चुका था, जिसके कारण उसके छोटे भाई का शरीर जलकर लाल हो जाता है। वेरोनिका उसे मलहम लगाती है और अपनी गलती के लिए उसे माफ़ी मांगती है। उसी रात वेरोनिका को एक नाइटमेयर आता है, जहाँ वो अपने फादर को देखती है और अचानक से उसके बिस्तर में से बहुत सारे शैतानी हाथ उसे पकड़कर खींचने लगते हैं। उसका फादर भी एक फेसलेस डीमन में बदल जाता है और उस पर अटैक कर देता है। डर के वेरोनिका की नींद खुल जाती है, जहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है। फिर नेक्स्ट डे वेरोनिका स्कूल जाती है, जहाँ उसके दोस्त उसे इग्नोर करते हैं। इसके बाद वेरोनिका उसी जगह जाती है जहाँ उसने अपने दोस्तों के साथ ओजा बोर्ड प्ले किया था। यहाँ उसे वही नन मिलती है जिन्हें हमने पिछले सीन में देखा था। इस नन को डेथ सिस्टर के नाम से जाना जाता है। वो वेरोनिका को कहती है कि उसने ओजा बोर्ड को प्ले करके बड़ी गलती की है, और उसने अपने पिता से नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा से कॉन्टैक्ट किया था, जो कि अब इसी दुनिया में है। दरअसल वेरोनिका और उसके दोस्तों को ओजा बोर्ड के रूल के बारे में पता नहीं होता, जिसके एंड में गुड बाय कहना होता है, जिससे कि आत्मा वापस चली जाती है। और यही गलती वेरोनिका से हुई थी, जिसके कारण वो शैतानी आत्मा हमेशा वेरोनिका के साथ ही रहती है, और वह इस वक्त भी उसके साथ ही थी। सिस्टर वेरोनिका को कहती है कि उसे खुद ही अपने भाई बहनों की रक्षा करनी होगी। फिर नेक्स्ट सीन में वेरोनिका घर आकर एक बुक में से पवित्र सिंबल को ड्रॉ करती है और अपने भाई बहनों के कमरे में लगा देती है,
ताकि वो शैतानी आत्मा उनसे दूर रहे। फिर उसी रात वेरोनिका को एक इविल परछाई दिखती है जो उसके भाई बहनों के कमरे में जाती है। वो परछाई जैसे ही पवित्र सिंबल को छूती है तो सभी सिंबल्स में आग लग जाती है एंड वो डार्क शेडो वेरोनिका की छोटी बहन पर अटैक कर देती है और वेरोनिका अपनी बहन को बचाने के लिए उसे पकड़ती है, पर उसकी बहन कहती है कि वेरोनिका ने ही उसे मारने की कोशिश की। यहाँ वेरोनिका बहुत डर जाती है और अपने तीनों भाई बहनों के साथ लिविंग रूम में सोने की सोचती है। यहाँ उसे दोबारा से वही ब्लैक शेडो दिखती है और वो शेडो दरवाजे पर खड़ी होती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वहाँ वेरोनिका की माँ होती है जो लेट नाइट जॉब से वापस आई होती है। यहाँ वेरोनिका अपनी माँ को ओजा बोर्ड वाली बात बताती है जिसपे उसकी माँ वेरोनिका पर काफी गुस्सा करती है और दोबारा ऐसा करने से मना करती है। उसी रात जब वेरोनिका सो रही होती है तो उसे दोबारा नाइटमेयर आता है जहाँ उसकी दोनों छोटी बहन वेरोनिका को दांतों से काट कर उसे खा रही होती है और उसका छोटा भाई उसका गला दबा रहा होता है। यहाँ उसकी माँ भी उन तीनों का ही साथ दे रही होती है। फिर वेरोनिका डर के उड़ जाती है और वो अपने बेड के गद्दे पे खून लगा देखती है। वो गद्दे के नीचे काला धब्बा भी देखती है जैसे कि गद्दा जला हुआ हो। वेरोनिका अपने भाई बहनों के कमरे में भी चेक करती है जहाँ तीनों के गद्दों पर सेम जलने का निशान था। ये काले धब्बे के निशान शैतानी लग रहे थे। यहाँ वेरोनिका का छोटा भाई वेरोनिका को बताता है कि उसके पिता उससे मिलने आए थे और वो उसे अपने साथ ले जाएंगे। इस पे वेरोनिका अपने भाई को कहती है कि अगर उसके पिता दोबारा उससे मिलने आए तो उसे अपने कान को बंद करके वेरोनिका का नाम बार बार लेना है। इसके बाद वेरोनिका अपने भाई बहनों को अपनी माँ के पास छोड़कर सिस्टर डेथ से मिलने जाती है। सिस्टर डेथ वेरोनिका को बताती है कि वो भी इन शैतानी परछाई और आत्माओं को देख सकती थी और इसीलिए उसने अपनी आंखों को खुद ही खराब कर लिया, लेकिन इसके बाद भी सिस्टर डेथ उन्हें आज भी देख सकती है। वो वेरोनिका को कहती है कि सब कुछ ठीक करने के लिए और अपने भाई बहनों को बचाने के लिए उसे ओजा बोर्ड को दोबारा प्ले करना होगा और उसे दोबारा उसी आत्मा से कॉन्टेक्ट करके उसे गुड बाय बोलना होगा ताकि वो आत्मा इस दुनिया से जा सके। इसके बाद वेरोनिका अपने दोस्तों के पास जाती है और उन्हें ओजा बोर्ड दोबारा प्ले करने को कहती है जिसपे उसके दोस्त मना कर देते हैं। यहाँ उसकी दोस्त बताती है कि जब उन्होंने ओजा बोर्ड को पहली बार प्ले किया था तब वेरोनिका ने उसके कान में कहा था कि वेरोनिका मरने वाली है। नेक्स्ट सीन में वेरोनिका घर आकर टूटे हुए ओजा बोर्ड को जोड़ती है। वो अपने छोटे भाई को घर की दीवारों पर पवित्र सिंबल ड्रॉ करने को कहती है, पर उसका छोटा भाई गलती से एक गलत सिंबल बना देता है जिससे आत्मा अट्रैक्ट होती है। यहाँ वेरोनिका अपनी छोटी बहनों के साथ ओजा बोर्ड प्ले करने का फैसला करती है। फिर वेरोनिका कैंडल्स को जलाकर अपनी बहनों के साथ ओजा बोर्ड को प्ले करती है और उस शैतानी स्पिरिट को गुड बाय बोलकर वापस जाने को कहती है, पर वो स्पिरिट वापस नहीं जाती और वो वेरोनिका पर अटैक कर देती है। डरकर वेरोनिका पुलिस को फोन करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वेरोनिका ने ही मूवी के स्टार्टिंग में पुलिस को हेल्प के लिए कॉल किया था। इसी बीच वेरोनिका के छोटे भाई को वो स्पिरिट अपने साथ ले जाती है। वेरोनिका कैसे भी करके अपने भाई को ढूंढती है और अपने बहनों के साथ घर से बाहर भागने लगती है। वेरोनिका अपनी बहनों को घर से बाहर निकाल देती है और तभी वो मिरर के रिफ्लेक्शन में देखती है कि उसका छोटा भाई उसके पास नहीं होता। वेरोनिका अपने भाई को बचाने दोबारा घर के अंदर जाती है जहाँ वो स्पिरिट उस पर अटैक कर देती है। इसी बीच वेरोनिका मिरर से टकराती है और यहाँ वो मिरर में ब्लैक डीमन को देखती है, जिसे देखकर वेरोनिका समझ जाती है कि शुरू से ही वह खुद पोजेस्ड थी। उसी ने अपने बहन को मारने की कोशिश की और अपने छोटे भाई को गर्म पानी में छोड़ दिया था। फिर वेरोनिका अपने छोटे भाई को बचाने के लिए खुद को मारने की कोशिश करती है, पर वो स्पिरिट वेरोनिका को ऐसा करने नहीं देती और वो वेरोनिका को हवा में लटका के उसे बुरे तरीके से हॉन्ट करती है, या कहे तो वेरोनिका को बुरे तरीके से टॉर्चर करती है। और ये सीन सच में काफ़ी भयानक लग रहा था। ठीक उसी वक्त पर पुलिस कमरे में आती है और वो वेरोनिका को ऐसी डरावनी हालत में देखकर हैरान रह जाती है। फिर वेरोनिका जोर से चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है और यही मूवी का शुरुआत का सीन होता है जहाँ वेरोनिका ही चिल्ला रही होती है। पुलिस यहाँ वेरोनिका के भाई को बचाती है और वेरोनिका को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। यहाँ पर एक डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और उसे वेरोनिका की तस्वीर दिखती है जो अपने आप जलने लगती है। फोटो में सिर्फ वेरोनिका का चेहरा ही चलता है और तभी उसे कॉल आती है कि वेरोनिका की मौत हो चुकी है। फिर नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव इस केस की रिपोर्ट बनाता है जिसमें वो साफ साफ लिखता है कि ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केस है। इसके बाद इस केस को बंद कर दिया जाता है और मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। दरअसल डिटेक्टिव ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि इस केस के रिगार्डिंग लड़की के रिश्तेदारों से पता चला कि लड़की ने ओजा नाम का एक गेम प्ले किया जिसके बाद पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हुई। इस रिपोर्ट में एजेंट ने अपने प्रेजेंस की गवाही दी है और ये स्पेन का सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें एक पुलिस अधिकारी शामिल है जो ये सर्टिफाइड करता है कि उसने पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टोरी और ये मूवी काफ़ी अच्छी है एंड आई रिकमेंड यू कि आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें। अगर आपने पहले ही देख रखी है तो फिर से देख लें एंड आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।